नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स कमेंट आ रही है, टीवी पे हेड कांस्टेबल स्टेनोग्राफर, बट मैं हेड कांस्टेबल की वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ चैनल पर। आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, आप वहाँ से प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर समझ सकते हैं। और उसमें जो फोटो सिग्नेचर जो अपलोड किए गए हैं वीडियो के अंदर, वो वाला स्टेप आप पॉज करके समझ सकते हैं किस प्रकार से अपलोड करना है। और एक बार फिर आपके लिए एक डेमो बना रहा हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले 30 KB से 100 KB आइए, ठीक है। और जो स्कैन करना है आपको, वो आपको 200 DPI पे स्कैन करना है, ठीक। 3.5 बाई 4.5 में आप बना लेंगे साइज को, ठीक है। 3.5 बाई 4.5 में नहीं बना पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपली स्कैन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में क्रॉप कर लेंगे। साइज ज़्यादा बड़ा भी ना हो फोटो का और ज़्यादा छोटा भी ना हो, इसलिए 3.5 बाई 4.5 का फोटो बनाते हैं जो साइज फिक्स हो जाता है, ठीक है। उस टाइम ध्यान ये रखना कि फोटो 30 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 30 KB है तो 31 हो जाए, 32 हो जाए, 35 हो जाए, 34 हो जाए, 40 KB हो जाए, ठीक है, 50 KB हो जाए। 30 से 100 KB के बीच में फ़ोटो को आपको, और जो आप फाइल नेम देंगे उसमें स्पेस ना हो, जैसे कि राम नाम है या करण है, मोहन है, मोहन मिश्रा है, तो आप मोहन मिश्रा ना करके केवल मोहन डाल देंगे उस पर, ठीक है। कुछ भी नहीं डाल रहे तो फोटो की जगह फ़ोटो लिख देंगे, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर लिख देंगे फाइल नेम में, ठीक है, और यहाँ पर अपलोड कर देंगे। नाम से डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे मोहन नाम है, मोहन मिश्रा है, तो आप मोहन मिश्रा ना करके मोहन फ़ोटो पर डाल देंगे, ठीक है। मोहन फ़ोटो स्पेस नहीं देंगे, मोहन फ़ोटो पूरा लिख देंगे, ठीक है। और पूरा नाम नहीं देना चाहते तो केवल आप एम डाल दीजिए उस पर, जो फोटो है फ़ोटो को रीनेम करिए और केवल एम डाल दीजिए बस। जैसा कि आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मैंने केवल पी डाला है इस पर, ठीक है, और इसे सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार सिग्नेचर में केवल फाइल को जो है मैंने रीनेम दे दिया एस करके, एस नाम दे दिया, ठीक है, और इन्हें सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जब हम सबमिट करते हैं तो इसका प्रोसेस होने लगता है, ठीक है, प्रोसेस होने लगता है अपलोड होने का, ठीक। तो प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है, फ़ोटो सिग्नेचर जो है अपलोड होकर शो होने लगते हैं, जिस प्रकार आप देख सकते हैं मैंने हाइड किया हुआ है। बट आप जब अपना फ़ोटो सिग्नेचर को 30 से 100 KB के बीच में फ़ोटो 200 DPI पर स्कैन करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर में क्रॉप करेंगे, 3.5 बाई 4.5 साइज में बना लेंगे उसे, ठीक है। ऐसे सिग्नेचर 4:2 साइज में बना लेंगे और 15 से 30 KB के बीच में इसको सेट करना है, उसके बाद अपलोड करेंगे। फाइल नेम बता दिया, केवल सिंगल नेम डाल के आप अपलोड कर दीजिए, अभी जस्ट बताता जा रहा हूँ आपको। तो प्रोसेस होने के बाद ये अपलोड हो जाते हैं और शो होने लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुकी हैं, ठीक है। अब यहाँ आप टिक करेंगे तो सबमिट का ऑप्शन आएगा, बट पहले ही सबमिट कर दिया है और अब ये अपलोड होकर शो होने लगे हैं, तो अब सबमिट हमें नहीं करना होता है, क्योंकि इसका शो होने लगे हैं, ठीक है, इसका मतलब अपलोड हो चुके हैं, तो अब दोबारा से सबमिट नहीं करना होता है। अब होता क्या है कि फ़र्स्ट टाइम जैसे कैंडिडेट ने वहाँ डिक्लेरेशन में टिक किया और सबमिट किया, तो वो लॉग आउट हो गया पेज, फिर से उसने ओपन किया, अप्लाई बटन पर क्लिक किया, अपलोड इमेज पर गए, वहाँ से फिर से अपलोड किया, वो फिर से लॉग आउट हो गया। तो ये साइट का इशू है, ठीक है, जिस तरीके से बता रहा हूँ आप करोगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और बहुत आराम से हो जाएगा। आपको क्या है कि ब्राउज़र हिस्ट्री को डिलीट करना है और रिफ्रेश करके दोबारा से लॉगिन करेंगे आप, और अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे, अपलोड इमेज पर जाएंगे, वहाँ से आपको फिर ऑप्शन मिलेगा अपलोड करने के लिए दोबारा से, और आप फिर से आप अपलोड फोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, और जब अपलोड हो जाता है तो इस प्रकार का शो करने लगता है और फिर से सबमिट आपको करने की आवश्यकता नहीं होती है। फर्स्ट टाइम सबमिट करेंगे आप और आपका यदि सही अपलोड हो जाता है तो आपका इस प्रकार शो करेगा, ठीक, फिर दोबारा से नहीं करना। फिर क्या करना है आपको, जो है अप्लाई बटन पर क्लिक करना होता है। अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो एप्लीकेशन अप्लाई के लिए प्रोसेस हो जाता है, वहाँ पर लिंक आ जाता है, तो वहाँ से आप जो है स्टेनोग्राफर है, हेड कांस्टेबल है, डायरेक्ट जहाँ DR लिखा हुआ उसके लिए हम अप्लाई करेंगे। पिछली वीडियो हेड कांस्टेबल हम बता चुके हैं पूरा प्रोसेस, ये वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि कमेंट आ रही है सर बार बार लॉग आउट हो रहा है, फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा है, और ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। इस प्रकार फ़ोटो सिग्नेचर का जो काम है वो कंप्लीट हो जाता है। बात आती है पेमेंट की, पेमेंट में भी समस्या आ रही है, तो मैंने सोचा कि वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ जिसमें फ़ोटो सिग्नेचर और पेमेंट की समस्या सॉल्व हो सकती है आपकी।
ठीक है, बट क्या करें, साइड इशू ज़्यादा है, बिजी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब हम फाइनली सबमिट करते हैं, यदि एससी है तो फाइनल सबमिट के बाद सीधा उसका प्रिंट निकल आता है, एप्लीकेशन स्टेटस पर जाके वहाँ से प्रिंट कर लेते हैं। और यदि जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस हैं तो उन्हें जो सबमिट के बाद जो है पेमेंट के लिए रिडायरेक्ट होता है, वहाँ पे एटीएम, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के और पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद जो है रिडायरेक्ट होता, तो इस प्रकार की स्लिप जनरेट होती है, सिक्योर डिजिटल कार्ड कर दिया गया है। तो देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल है और एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, यानी कि जैसे ही सबमिट किया है तो पूरी फीस कट चुकी है, रिडायरेक्ट हो चुका है और एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली यहाँ पर लिख कर आ जाता है। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है, जो पूरा जो है एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है पूरा फाइनली, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। और ये पेमेंट भी आपका जो है सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक। अब यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है और इस रसीद को सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे ही प्रिंट करते हैं, सेव करते हैं, यदि लॉग आउट हो जाता है तो दोबारा से लॉग इन कर लेंगे आप, ठीक है। और नहीं लॉग आउट होता है तो आप जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे माई एप्लीकेशन पर। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक स्टेटस प्रिंट का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, जहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ अपना प्रिंट आउट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार आपके सामने स्टेटस आ जाता है, जैसे माई एप्लीकेशन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, चाहे स्टेनोग्राफर का हो या फिर हेड कॉन्स्टेबल का हो, सेम प्रोसेस है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म है, और यहाँ से क्लिक करते ही आपका प्रिंट आउट ओपन हो जाता है। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं, ये थ्री डॉट थ्री लाइन बना हुआ है, यहाँ से स्टेटस आपका चेक हो जाता है। और ये एडमिट कार्ड का ऑप्शन बाद में एक्टिवेट होगा, अभी नहीं होगा, ठीक है। बात आती है, आप जानेंगे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, पेमेंट जिनका डिडक्ट हो गया है, फील्ड हो गया है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, तो क्या उसका सिस्टम है, किस प्रकार से होगा, जानते हैं इस स्टेप के साथ। इस प्रकार हम ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का स्टेटस ओपन हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं, चाहे स्टेनोग्राफर हो या हेड कॉन्स्टेबल हो, इस प्रकार का आपका डिजाइनेशन यहाँ पर शो हो जाएगा, और रेफरेंस नंबर भी यहाँ शो होगा, और पेमेंट स्टेटस सक्सेस भी है, और पेमेंट ऑर्डर आईडी भी नंबर यहाँ पर आपका दिया होगा, और अमाउंट भी दिया होगा, बैंक रेफरेंस नंबर भी दिया होगा। एरर स्टेटस, अब बात यहीं पर आ जाती है, देखिए एरर स्टेटस, जैसे फेल हो गया पेमेंट या कट गया आपका, तो अब अपडेट कैसे करेंगे और कितने दिन वेट करना होगा। देखिए 24 आवर्स से 48 आवर्स, 24 घंटे से 48 घंटे या फिर 72 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है, वैसे तो 24 घंटे में अपडेट हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ एरर स्टेटस है, यदि पेमेंट फेल्ड हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपका एरर स्टेटस शो करेगा। यदि यहाँ क्लिक के लिए अपडेट के लिए ऑप्शन होता है तो आप उसके माध्यम से अपडेट क्लिक करेंगे, बट ऑटोमेटिकली भी 24 घंटे में फीस अपडेट हो सकती है। कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को हृदय से नमस्कार।